सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको एवरेज कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट सॉल्व प्रॉब्लम के साथ इजी वे में समझाऊंगा। एवरेज कॉस्टिंग को ना हम मूविंग एवरेज कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का। इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो गुड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे रिसीव की हैं, लाइक स्टोर में आई हैं या सेल डिपार्टमेंट को आई हैं बेचने के लिए, कुछ गुड्स जो है वो मार्च में आई हैं, कुछ गुड्स जो है वो अगस्त में आई हैं, तो टाइम पीरियड का फर्क आ गया ना, और टाइम पीरियड का भी फर्क आ गया और इनकी जो कॉस्ट है ना वो भी डिफरेंट है। लाइक अगस्त में हमारे पास जो है ना मार्च की भी 100 यूनिट पड़ी है और अगस्त की भी 100 यूनिट पड़ी हुई है, लाइक 200 यूनिट पड़ी हुई है, और हमें ऑर्डर आया है 100 यूनिट का। तो अभी बात आ जाती कि हम पहले मार्च वाली बेचेंगे या मार्च में जो यूनिट हमने रिसीव की थी, मार्च में जो यूनिट की प्राइस थी, जो कॉस्ट थी, वो डिफरेंट थी। हमें लाइक एक यूनिट 6 रुपए की पड़ी थी और वही यूनिट हमने अगस्त में बनाई वो हमें 7 रुपए की पड़ी। तो अभी बात आ जाती है कि हमने पहले कौन सी यूनिट को बेचना है, मार्च वाली यूनिट्स को बेचना है या हमने अगस्त वाली को बेचना है, और हमने कौन सी प्राइस पे बेचना है, मार्च वाली प्राइस पे बेचना है या अगस्त वाली प्राइस में। तो एवरेज कॉस्टिंग हमें बताता है कि हमने जितनी भी यूनिट्स पड़ी हैं उनको कंबाइन कर लेना है, उनको जोड़ लेना है, और उनकी जो कॉस्ट है उनकी प्राइस कौन सी रखनी है, एवरेज। लाइक अभी ये देखें, मार्च वाली जो यूनिट थी वो 100 थी और उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 6 रुपए एक यूनिट की, और जो अगस्त में बनी वो भी 100 यूनिट थी और पर उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 7 रुपए। हमने दोनों यूनिट्स को जोड़ लिया, टोटल यूनिट्स कितनी होगी, 200। अभी 200 को मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, कितना आंसर आया, 600। फिर जो अगस्त वाली यूनिट थी वो 7 रुपए की थी, 7 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, कितना आंसर आया, 700। अभी 700 और 600 को जमा करना, आंसर आएगा 1300। 1300 को डिवाइड करना कितने पे, टोटल यूनिट कितनी है, 200 पे, आपका आंसर आएगा 6.5। तो मतलब हमने 6.5 रेट रख के एवरेज निकल गई दोनों की, उनकी अमाउंट निकाल ली कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है यूनिट्स की अलग अलग, और फिर कंबाइन करके टोटल यूनिट पे डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज आ गई। तो हमने 6.5 मतलब 6.5 रुपए की यूनिट को बेचना है, और ये नहीं देखना मार्च वाली है या अगस्त वाली है, कंबाइन बेच देनी है और एवरेज रेट लगाना है, एवरेज प्राइस पे हमने सेल करनी है। देखें आगे प्रॉब्लम है, समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। राम कंपनी है, वो कह रहा है कि जून को हमने रिसीव की है 200 यूनिट, किस रेट पे, 6.20 मतलब 6 रुपए और कुछ पैसे पे। फिर जून 8 को हमने रिसीव की है कुछ यूनिट्स, 60 यूनिट हमने रिसीव की है। रिसीव किससे किए हैं, हमने अपने ही मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसीव की है, स्टोर में या सेल डिपार्टमेंट में आई है बेचने के लिए। रिसीव का मतलब ये है, जो 60 यूनिट रिसीव की है वो 7 रुपए और कुछ पैसे के ऊपर उसकी कॉस्ट पड़ी है, जो पुरानी थी 200 वो 6 रुपए और कुछ पैसे थे। अभी वो कह रहा है कि जून 15 को हमने 100 यूनिट जो है ना इशू कर दिए हैं, लाइक सेल कर दिए, लाइक बेच दिए हैं, अभी इनकी एंट्रीज करें। इधर तक आपका क्वेश्चन होगा, आगे से जो है ना सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। देखिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 3 कॉलम बना लेने हैं, एक रिसीव्ड का, एक इशूड का और एक बैलेंस्ड का। उसके नीचे ना आपने 3 सब कॉलम भी बना लेने हैं, लाइक रिसीव्ड के लिए नीचे यूनिट, यूनिट कॉस्ट अमाउंट, फिर इशूड के लिए यूनिट, यूनिट कॉस्ट अमाउंट, ये देखिए नीचे बना हुआ है। फिर लास्ट पे आपने बैलेंस बना लेना है, यूनिट, यूनिट कॉस्ट अमाउंट, उसी के नीचे भी 3 कॉलम बना लेने हैं। अभी देखें, सबसे पहले आपने रिसीव की थी जून 2 को, तो जून 2 को हमने देखे आए हैं रिसीव्ड के कॉलम के अंदर, रिसीव्ड में आए हैं, जून 2 लिखा है, कितनी यूनिट रिसीव की, 200, रेट क्या था, यूनिट कॉस्ट क्या थी, 6.2 वो लिखी, मल्टीप्लाई किया 200 को 6.2 से, आपका अमाउंट आ गई, लाइक कितनी टोटल कॉस्ट है आपको सारी यूनिट्स पे पड़ी है, 1240, तो जून का ये लिख दिया। फिर लास्ट में ना हमने बैलेंस में भी जाना है, बैलेंस में जाकर सेम इसी अमाउंट को उठा के लिख देना है। अभी जून 8 में देखें, जून 8 में हमने फिर 7 यूनिट जो है वो रिसीव किए हैं, पर जो रेट है वो कौन सा है, 7.80 मतलब 7 रुपए कुछ पैसे में, तो 7.8 को 60 से मल्टीप्लाई किया आ गया 468 रुपीज, आपने इस तरह अमाउंट लिख दी रिसीव्ड में। अभी बात आ जाती है कि हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है और किस प्राइस पे हमने बेचनी है। देखें ये एवरेज कॉस्टिंग है, तो हमने बैलेंस में क्या करना है, हमने लिखना है टोटल यूनिट कितनी है, 260, और अमाउंट कितनी है, 1708। देखें अमाउंट किस तरह आई, 1240 जो रिसीव्ड में आए, 1240 को मल्टीप्लाई किया, प्लस किया 468 में, तो हमारे पास आ गया 1708। ये बैलेंस में देखें 1708 लिखा हुआ है। अभी 1708 को हम 260 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास यूनिट कॉस्ट निकल आएगी 6.569। ये एवरेज यूनिट कॉस्टिंग है। एवरेज कॉस्टिंग में हम इस तरह करते हैं, जितनी भी हमने यूनिट्स रिसीव की हैं उनको ऐड करते हैं यूनिट्स को, और जितनी उनकी अमाउंट है उनको ऐड करते हैं,
अमाउंट को ऊपर रखते हैं, नीचे यूनिट्स को रखते हैं, डिवाइड करते हैं, हमारे पास यूनिट कॉस्ट निकल आती है। ये देखें 6.569 यूनिट कॉस्टिंग निकल आई है, मतलब इस रेट पे हमने 260 यूनिट को बेचना है। हमने ये नहीं देखना कि 60 यूनिट जो है उसकी कॉस्ट हमें 7.8 पड़ी है और 200 की 6.2, नहीं, हमारी जो टोटल यूनिट है अभी वो किस रेट पे जाएंगी, 6.569 उसके ऊपर इतनी कॉस्ट पड़ी है, ये वाली यूनिट्स कंबाइन होगी और कंबाइन ही जाएंगी। अब ये देखें जून 15 को हमने 100 यूनिट इशू किया है और किस रेट पे किया है, जो लास्ट पे हमारी एवरेज कॉस्ट निकली थी 6.569, तो मल्टीप्लाई किया अमाउंट आ गई 656 रुपीज पॉइंट में कुछ है, और लास्ट पे 100 यूनिट चलेगी पीछे 160 रहेगी, बैलेंस में 160 लिखा और मल्टीप्लाई करके जो उसकी अमाउंट आई है वो भी लिख दी। अभी देखें कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज हम लास्ट पे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज मतलब जितनी यूनिट्स बिकी हैं उनकी जो अमाउंट है वो लिखनी होती है इसके अंदर। देखें इशूड में आए, इशूड में लिखा हुआ है 656, वो इधर उठा के लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज में। और एंडिंग इन्वेंट्री अगर वो पूछेगा तो एंडिंग इन्वेंट्री जो आपकी लास्ट पे बैलेंस में बची है अमाउंट उसको लिख देना है, जैसे 1000 और कुछ पैसे कुछ रुपीज है ऊपर, वो लिखनी है उठा के एंडिंग इन्वेंट्री में। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।